हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीडी एलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, हमने कल लेसन वन पूरा डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि परिवेशीय विषयों, ठीक है, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि एक बच्चों का जो झिझक होता है उसको कैसे दूर किया जाए, वो कैसे किसी भी मतलब ज़्यादा इकट्ठे लोग में वो कैसे अपने आप को समायोजित करें, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लेंगे और आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वो अपने विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से जहाँ अपना विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी वह माध्यम बनता है। प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्यों का अपना अलग समाज होता है। इनमें यदि बच्चों की बात करें तो इनकी एक निराली ही दुनिया होती है, जहां बड़ों के तर्क और समझदारी से कोई सरोकार नहीं होता। अपनी इस निराली दुनिया से निकलकर जब वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय परिवेश में पहुंचते हैं तो वो अपने जैसे अनेक बच्चों के अतिरिक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के रूप में बड़ों को भी पाते हैं। ठीक है, जो उन्हें विविध कार्यों के लिए दिशा निर्देश देते हैं। जैसे आप खुद छोटे होंगे तो आप गए होंगे क्लास में, तो आपको खुद सब पहले से ही पता है। ठीक है, यह दुनिया उनकी दुनिया से कुछ अलग होती है, जिसके कारण उनमें संकोच आप देख सकते हो। क्योंकि जो छोटा बालक होता है वो क्लास जाने के लिए मना क्यों करता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं हमें कोई डांटे ना, ठीक, कोई डराए ना। तो इसलिए जिसके कारण उनमें कुछ संकोच, झिझक आदि भाव प्रायः देखने को मिलता है। ये भाव बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो क्या होता है, डर जाते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, और घर वाले भी उन्हें बहुत डांटते हैं। ये उनको पूछना चाहिए कि जो बच्चा है वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके डर को, उसको जो भी झिझक है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उसकी शिक्षा में बाधक बनता है। तो ऐसे में शिक्षक के समक्ष शिक्षा देने के साथ ही उनमें निहित इन भावों को दूर करने की भी चुनौती होती है। इस चुनौती में सबसे पहला पड़ाव बच्चों से जुड़ा होता है। ठीक है, एक शिक्षक को बच्चों से अपना जुड़ाव 100% करना चाहिए। ठीक है, बच्चों से जुड़ाव के बाद ही हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। इसके लिए वार्तालाप एक सशक्त माध्यम है। शिक्षक बच्चों से परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा उनके अनुभवों पर बातचीत करते हुए उनकी नज़दीकी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और जहाँ तक भाषा शिक्षण की बात है तो इससे अधिक सरल बोधगम्य व्यवहारिक बनाने में मौखिक कार्य महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हमने कल इंग्लिश आपका जो सब्जेक्ट था उसमें 100% ये जो बात यहाँ पे कह रहा है वो 100% यहाँ फिट हो रहा है। जैसे कि क्या था, ओरल अप्रोच, उसमें यही था कि कोई भी शिक्षक क्लास में जाने से पहले, पढ़ने और लिखने से पहले क्या बताता है, वो एक अपने मौखिक रूप से कोई भी बात कहता है, किसी भी वाक्य कहता है, वो चाहे उसका पाठ्यक्रम ही क्यों ना हो, सबसे पहले वो बताता है कि है क्या, क्या नहीं है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न उत्तर करता है, प्रश्न पूछता है, तो सब वो क्या करता है, मौखिक कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ ये कह रहा है कि इसे अधिक सरल बोधगम्य एवं व्यवहारिक बनाने में मौखिक कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। बातचीत करना बच्चों को स्वाभाविक अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे ही टीचर डायरेक्ट क्लास में जाएगा और अपना जैसे पढ़ाना स्टार्ट कर देगा तो वो क्या होता है, बच्चों पर अपना इफेक्ट नहीं डाल पाता। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले बच्चों से बातचीत करना चाहिए। ठीक है, कि आपने क्या पढ़ा, क्या किया, ऐसे मतलब उनका क्या होता है ना, उनकी रुचि बढ़ती है पढ़ने में। तो इसलिए कह रहा है कि बातचीत करना बच्चों को स्वाभाविक अच्छा लगता है। बच्चों को यह स्वाभाविक रुचि भाषा सीखने की प्रभावी माध्यम हो सकती है। हिंदी पठन एवं लेखन के पूर्व बच्चों से उनके क्रियाकलाप, परिवेश व परिवार आदि जितनी अधिक बातचीत की जाएगी, उनमें सुनने, बोलने, समझने, अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास उतना ही अधिक व प्रभावी होगा। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों से अधिकाधिक बातचीत करें, जिससे बच्चे शिक्षक के सामने स्वयं को सहज महसूस
महसूस करें और एक दूसरे से घुल मिलकर अपनी बात कह सके। इसके लिए कुछ गतिविधियां देखी जा सके, आप इसके लिए कुछ गतिविधि कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि उद्देश्य, आपका क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले तो चर्चा मौखिक बातचीत के द्वारा बच्चों की झिझक दूर करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रखने की दक्षता विकसित करना। थर्ड, बच्चों में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास करना। ये हमारा 3 टॉपिक है। अब इसको हम किसके थ्रू इसको अलग कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि हम कैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका झिझक कैसे दूर करें, कैसे उन्हें खुलकर बातें करना सिखाएं, ठीक है। बच्चों में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास कैसे करें, ये 3 उद्देश्य हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ एक फर्स्ट गतिविधि दिया है। क्या दिया है, तो दिया है कि आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात। मतलब कोई कद्दू, ये देखिए रोचक लग रहा है ना, मतलब कविता जैसे, और उनको मजा भी आ जाएगा सुनने में। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये कह रहा है कि कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात। बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा, ठीक है। उसके बाद है मेथी, पालक, भिंडी, तरोई, ठीक है। कह रहा है कि मेथी, पालक, भिंडी, तरोई, टिंडा, मूली, गाजर, बने बराती नाच रहे थे आलू, मटर, टमाटर, ठीक है। कद्दू जी हंसते मुस्कुराते, लौकी दुल्हन लाए, कटहल और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए। प्रातः पता चली ये बात, सपना देखा था ये रात, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्या है, एक कविता है, जिसे मतलब सब्जियों का शादी हो रहा है, इसमें सभी लोग बारात में जा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या, एक बच्चा, अब ये कविता है लेकिन क्या है, एक स्वप्न है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात, मतलब रात को यह सपना देखा था, ठीक। अब क्या होगा कि जो बच्चे होंगे उनकी रुचि आएगी, वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ क्या कहा है कि सभी बच्चों को गोल घेरों में खड़ा करके शिक्षक के बीच खड़े होकर कद्दू जी की बारात, यह गतिविधि हाव भाव के साथ कराएं, ठीक है। मतलब पूरा किस तरीके से कद्दू जी हंसते मुस्कुराते, तो आपको अपना हाव भाव भी दिखाना होगा, ठीक है। इसे कराने के बाद बच्चों से बातचीत को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करें। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि प्रश्न यहाँ हो सकता है कि कद्दू जी की बारात में किसने क्या किया, ठीक। क्या तो आपने देखा उसमें नाचे गाए थे भिंडी, ये मूली, ठीक। क्या तुमने कभी कोई बारात जाते हुए देखी है, तो उसमें से बच्चे बोलेंगे हाँ हमने देखी है या फिर नहीं देखी है। जब बारात जाती है तब क्या होता है, क्या क्या होता है, गाना बजता है, बाजा बजता है, बारात में कौन कौन सी बाजे बजते हैं, ठीक है। क्या तुमने पिछली रात कोई सपना देखा है, क्या देखा है, तो कुछ बच्चे अदर सपना देखे होंगे तो वो ज़रूर बताएंगे। क्या तुमने अपने घर में कोई शादी देखी है, क्या होता है, इसे देख सकते हो आप, कितने सारे बातचीत कर सकते हो छोटे छोटे बच्चों से। शादी में कौन कौन सी रस्में होती है, शादी में गाने वाले किसी गीत को सुना सकते हैं। यदि कोई बच्चा गीत सुनाता है तो उसे सुने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनसे विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत सुनाने को कहें तथा स्वयं भी कुछ गीत गाकर सुनाएं। ये गीत बच्चे के जन्म, मुंडन आदि कई अवसरों पर गाए जाने वाले हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे गीत होने चाहिए। अब देखिए गतिविधि 2 हो सकता है त्योहारों पर बातचीत। तो देखिए शिक्षक बच्चों से निम्नांकित प्रश्नों के माध्यम से बातचीत करें, जैसे कि आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो पता है कि मतलब भारत देश में होली, दिवाली, ठीक है, दशहरा, ये सभी मनाया जाता है, ईद। तो देखिए अब देखिए आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और क्यों, तो इसी में कोई बोलेगा कि हमें दिवाली अच्छा लगता है, ईद अच्छा लगता है, ठीक। अब देखिए आपके यहाँ त्यौहारों पर खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है, ठीक है। तो कोई कहेगा खीर, तो कोई कहेगा पूरी सब्जी, मतलब अदर्स ऐसे हो सकता है। क्या आप आपस में एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं, अगर हाँ तो क्यों, क्यों, क्योंकि ये सामाजिक, हम एक दूसरे से बात करेंगे और हम समाज में रहते हैं तो हमें एक दूसरे से तो मिलना ही चाहिए। आपस में मिलकर कोई पर्व यानी त्यौहार विशेष का गीत गाना, उससे संबंधित चर्चा द्वारा बात को आगे बढ़ाए और बच्चों की गीत गाने के लिए प्रेरित करे। चाहे तो कई वाद्य यंत्र या मेज का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी मेज पर भी आप धुन बजाकर मतलब गाना गा सकते हैं और उन्हें रोचक बना सकते हैं।
अब देखिए गतिविधि 2 और 3 बच्चों के लिए। प्रशिक्षु श्यामपट पर निम्नलिखित ढंग से लिखकर कार्य कराएं, जैसे कि नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह बताओ, जैसे बारात, बतासे, कद्दू, प्याज, सलजम, बैगन, लौकी, ये आपको भरना है, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक है यहाँ पे भरना है। तो एक था डैश, मतलब एक था बारात, उसकी बतासे चली, उसकी बारात में कद्दू की बरसात हुई, ठीक है। प्याज, यहाँ प्याज की गाड़ी के ऊपर सलजम, मतलब सलजम, उसके बाद बैगन, बैगन यहाँ रहेगा बैगन, और लौकी ने मिलकर बाजा बजाया, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो तुम्हें कौन कौन सी सब्जियाँ खाने में अच्छी लगती है, इस पर चर्चा करते हुए उन्हें, मतलब ये सभी क्या है, गतिविधि है, ठीक है। यहाँ पूरा टॉपिक दिया है क्या क्या यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। फिर अन्य गतिविधियाँ, शिक्षक बच्चों की सहायता से सब्जियों के मुखौटे तैयार कराएं, उन मुखौटों के द्वारा, मतलब कुल मिला जुला कर यही है कि आप किसी भी कोई भी गतिविधि अपनाकर, जो बच्चों में झिझक है, डर है, जो किसी टीचर से डरते हैं, कोई भी बात, कोई भी सवाल नहीं कर पाते हैं, उसको दूर करना है। तो कोई भी गतिविधि अपनाकर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इस में यही है। अब देखिए मूल्यांकन पढ़ लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो बच्चों से चर्चा परिचर्चा करते हुए बीच बीच में विषय से संबंधित प्रश्न भी करते चले, क्योंकि अगर कोई भी मान लीजिए अब सब्जेक्ट से एकदम डिफरेंट गतिविधि अपनाएंगे तो फिर अलग हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए आप उनके उसी से रिलेट करके आप उनका जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाते रहिए, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि जिससे आप ये पता कर सके कि बच्चे चर्चा परिचर्चा के विषयों को अच्छी तरह समझ रहे हैं या नहीं, इस तरह आप उनके विषय की जानकारी, पूर्व ज्ञान, उनकी समझ, भावबोध का पता कर सकते हैं। अगर समझ में कहीं कमी हो तो आप प्रश्नों, गतिविधियों के माध्यम से उसमें सुधार कर सकते हैं। बार बार ऐसा करने से बच्चों की समझ कौशल विकसित होगी तथा वे अपनी बात को तर्क के साथ रख सकते हैं। अब देखिए ध्यान देने वाली योग्य बातें, चर्चा की विषय वस्तु अनुभव से जुड़ी हो तथा परिवेशीय हो, जैसे मैंने अभी बताया केवल सवाल ही सवाल न हो बल्कि इस विषय पर भी चर्चा हो, हाँ या ना वाले प्रश्न न हो बल्कि बच्चों को बोलने के लिए उपयुक्त वातावरण भी होना चाहिए। फिर बच्चों से आत्मीयता का व्यवहार करें जिससे उनकी अभिव्यक्ति सहज भाव से हो, ऐसी बात करें जिसमें बच्चा स्वयं पूछने को प्रेरित करे, यानी उनको डराकर न रखें, ठीक है, और उनको हमेशा प्रेरित करते रहें, मोटिवेट करते रहें। बच्चों को पूरी बात धैर्यपूर्वक सुने, मतलब कुछ भी कह रहा है तो एक बार अच्छे से सुने, फिर वो चाहे गलत हो या सही, फिर आप उसको अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ अभ्यास कर दिया है, जैसे शिक्षक सुनने बोलने की दक्षता के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के मौखिक क्रियाकलाप का अभ्यास कराए, ठीक है, परिवेशी विषयों पर बातचीत कराए, चित्र आधारित कविता कहानी पर बातचीत, ठीक है, शिष्टाचार एवं दैनिक व्यवहार से संबंधित क्रियाकलाप, बाल गीत, कविता, पहेली, लोकगीत सुनाए, क्रम बदलकर अभ्यास और गतिविधियों को कराए, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो शो परो, ये सभी वही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक बच्चे के जो झिझक है उसको कैसे दूर करना है, क्या ऐसे नियम आपको अपनाना चाहिए, कौन कौन से गतिविधि है जो अपनाना चाहिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और जो हिंदी सब्जेक्ट है बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, उसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।